इस वक्त की बड़ी खबर जनपद औरैया से, जहां युवक की धारदार हथियार से गोंद कर हत्या। गेहूं के खेत में मिला मृतक युवक का शव। परिजनों के अनुसार शाम को सब्जी लेने के लिए निकला था युवक। घटनास्थल पर भारी संख्या में लगी लोगों की भीड़। मृतक युवक की पहचान जितेंद्र पुत्र रूपलाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी खड़गपुर। घटना की सूचना मिलते ही हरचंदपुर चौकी एवं थाना दिव्यापुर थाना तथा फफूंद पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हुए। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सघनता से घटना की कर रही छानबीन। हरचंदपुर चौकी से ग्राम खड़गपुर की घटना। जो आपकी ये मंडप हुआ है, ये कौन से आपके? ये भैया है, मेरा सगो भैया है। क्या मामला है? ये तीसरे नंबर का है भाई। आप चार भाई एक बहन? इसकी शादी हो गई? हाँ, इसकी शादी हो गई। तीन बच्चे हैं इसके। कब हुई थी? अब शादी का कार थोड़ी ना जेब में जा रहे हैं। अरे यार, तीन बच्चे हैं जो ले हुए थे बैठे, बच्चे उनके। तो क्या मामला है? कोई मामला नहीं था यार भैया। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है जासूसी, किसी ने इसको मिलके मारा है। कितने बजे की घटना है ये? शाम को 7 बजे आया था, इसके बाद ये सब्जी लेने आया मामा। इसके बाद भैया फिर घर पर नहीं गया। आज सवेरे सूचना मिली कि ग्राम खड़गपुर थाना दिव्यापुर का एक 30 वर्षीय युवक, जिसकी डेड बॉडी थाना फफूंद के ग्राम कन्नू के जंगल में गेहूं के खेत में प्राप्त हुई है, और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी धारदार हथियार से इसके धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है। मौके पर पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई करके और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और जांच पड़ताल करके परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा कायम कर विधिक कार्रवाई की जा रही है, और शीघ्र ही घटना का खुलासा करके जो भी इसमें दोषी हैं उनको विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ जो है अमल में लाई जाएगी।